वेलकम दोस्तों, हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है 10वीं क्लास का, 10th क्लास का। और हमने पहले 5 एक्टिविटी देख चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने देखा था मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ ऐसे लक्षण जो खासियत होती है वो सब देखा था। आज हम एक और खासियत देखने जा रहे हैं कि ज़्यादातर मेटल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह पास हो सकता है, पसार हो सकता है। तो यहाँ देखिए, हमने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी है और एक सर्किट बना के रखी है। ये बैटरीज का एक सिंपल छोटा सा सेल है, वो सेल को हमने ग्लोब के साथ वाया स्विच कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ हमने सर्किट को ओपन रखी है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ये ओपन हमने रखा है और यहाँ बीच में हमें आप ये चार में से कोई मेटल, या तो चार के चारों मेटल आप यहाँ ड्रैग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो ये आपका ये लैम्प जलना चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले ये आयन को उठाते हैं। ये देखिए, ये आयन जो है उसको आप ड्रैग कीजिए। आयन यानी कि लोहा, हम लोग जानते हैं ना कि लोहा तो मेटल का कंडक्टर है, बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप में से मेटल को ये कर सकता है। ये देखिए, हमने ये दो कांटेक्ट के बीच रख दिया है। लैम्प तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये स्विच ऑफ है। इसको आप ऑन कर दीजिए। ये देखिए, लैम्प भी हो गया, आपका करंट भी पास होने लगा, पूरा का पूरा सर्किट एकदम लाइव हो गया। देखा आपने? तो ये तो हमने सिर्फ एक ही देखा है, आयन का यानी कि लोहे का। अभी आपको 3 चेक करना है। पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने हाथों से करना है। सब कुछ हम ही दिखा देंगे तो आप कब सीखेंगे? ये तीनों हम आपके लिए छोड़ देते हैं, उसको एक एक को ड्रैग करके ओपन सर्किट के दो कांटेक्ट के बीच में आपको घसीटना है, वहाँ उसको सेट करना है। स्विच को ऑफ है तो ऑन करना है, अगर वो ऑन ही है तो भी वो चलेगा, लैम्प चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें से हमने देखा कि मेटल जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास होती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर जगह में अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन भी होता है, तो वो हम आगे आपको सिखाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3.6। वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी 10th स्टैंडर्ड की नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।